मॉर्निंग क्लास दिस इज धरा श्रीवास्तव योर इंग्लिश टीचर स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे लिटिल टाइगर एंड बिग टाइगर स्टोरी हमने समझ ली थी रीडिंग हमने कर ली है वर्ड मीनिंग्स हमने लिख ली है सो टुडे वी आर गोइंग टू सी रीडिंग इज फन एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन आस्क इन दिस सेक्शन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू टिक द राइट आंसर वी हैव टू रिक द स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन द करेक्ट आंसर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सेंग वे आर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव जो मदर टाइगर थी और जो स्मॉल टाइगर कब था वो कहाँ रहते थे तो वो एक फॉरेस्ट में रहते थे और वो फॉरेस्ट कहाँ था नदी के पास तो नियर अ रिवर ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है वॉट डिट द मदर टाइगर हंट वेन द स्काई वॉज डार्क जब आरात में अंधेरा होता था और स्काई गहरे काले रंग की होती थी उस समय जो मदर टाइगर थी वो किस चीज़ का शिकार करती थी तो वो डियर एंड पिक्स का शिकार करती थी थर्ड क्वेश्चन कह रहा है वॉट डिड द टाइगर कप कैच ऑन नाइट एक रात को जो टाइगर कप था उसने क्या पकड़ा क्या कैच किया उसने तो उसने एक फ्रॉक को पकड़ा था हमने स्टोरी पढ़ा है क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है वॉट हैपन टू द लिटिल टाइगर कप वन ही चेज़ द फ्रॉक जो छोटा सा टाइगर कप था वो जब एक दिन पीछा कर रहा था चेज़ कर रहा था एक फ़्रॉक को तो वहाँ पे क्या हुआ तो हमने पढ़ा है कि जब वो लिटिल तो, फ़्रॉक को चेज करता हुआ थोड़ा आगे जंगल में चला गया और फिर जब उसने टाइगर आ, उस कब को फ्रॉक कब ने उस फ्रॉक को चेज कर लिया कैच कर लिया पकड़ लिया तो फिर उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा टाइगर उसके सामने खड़ा था और उसे देख रहा था और स्लोली उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था वो टाइगर उसकी मदर टाइगर से भी बड़ा था और फिर जो कब टाइगर था वो डर गया ओके ये हमने देखा था आगे बढ़ते हैं वर्ड बिल्डिंग के सेक्शन में आते हैं यहाँ पे हम सीखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी बेबीज़ को क्या कहा जाता है जैसे हमारे घर में जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनको हम चाइल्ड कहते हैं चिल्ड्रन कहते हैं और वैसे ही जो हॉर्स होता है हॉर्स घोड़ा उसका जो बेबी होता है उसे हम कोल्ट कहते हैं क्या कहते हैं कोल्ट तो हॉर्स का जो बेबी होता है उसे हम कोल्ट कहते हैं नेक्स्ट है डॉग डॉग का जो बेबी होता है उसे हम पपी कहते हैं कैट होती है कैट का जो बेबी होता है उसे हम किटन कहते हैं काऊ काऊ का जो बेबी होता है उसे हम कहते हैं काफ ओके पिग पिग वी हैव सीन पिज का बेबी को हम पिगलेट कहते हैं टाइगर के बेबी को हम कब कहते हैं हमने अपना स्टोरी में देखा है जो शीप होता है उसके बेबी को हम लैम्प कहते हैं और डक के बेबी को हम डकलिंग कहते हैं और इसी तरह गोट के बेबी को हम किड कहते हैं ओके सो दिस इज दिज आर दी आंसर्स ठीक जब और जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर हम इन्हें इनके पेरेंट के नेम से ही जानते हैं जैसे कि हॉर्स का बेबी जब तक छोटा है उसे हम कोल्ट कहेंगे लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा उसे हम हॉर्स कहने लगेंगे ओके सो so, दीज आर दी आंसर्स इनको ध्यान से आप नोट कर लेंगे और इन्हें ही आप अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे और इन्हें आपको लर्न भी करना है कि किसके बेबी को क्या कहा जाता है आगे बढ़ते हैं हमारे पास है वर्ड गेम ओके हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं उनके अल्फ़ाबेट्स को जंबल करके लिखा गया है मतलब उनको आगे पीछे करके लिखा गया है जंबल मतलब आगे पीछे किया हुआ जैसे कि एग्जांपल है ए टी सी तो हमें देखना है कि ए टी सी के अल्फ़ाबेट्स को अगर हम आगे पीछे घुमा करके लिखते हैं तो क्या बन सकता है तो हमने देखा कि उससे किस एनिमल का नाम बन रहा है कैट का नाम बन रहा है वैसे ही हमारे पास ये है एस ई एम ओ यू हम इनकी स्पेलिंग को अगर ठीक से अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा माउस क्या बन जाएगा माउस इसके बाद है हमारे पास आर ई एस ओ एच आर ई एस ओ एच इसके लिए हमारे पास हो जाएगा हॉर्स इसका आंसर हो जाएगा हॉर्स इसके बाद है हमारे पास ओ आई एन एल ये हो जाएगा एल आई ओ एन ये लॉयन हो जाएगा इसके बाद हमारे पास है पी ई एस एच ई पेशे इसको हम अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा शीप इसके बाद है हमारे पास आर ई डी ई आर ई डी ई हम अगर अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा डियर डियर मतलब हिरन इसके बाद है एल यू बी एल एल यू बी एल को अगर हम आगे पीछे अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा बुल बी यू डबल एल ठीक है बुल इसके बाद होती है दिखा है हमारे पास जी आई टी ई आर जी आई टी ई आर को जब हम अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा टाइगर ओके और इसके बाद हमारे पास लास्ट में है एफ ओ एल डब्लू एफ ओ एल डब्लू को जब हम अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा वुल्फ क्या हो जाएगा डब्ल्यू ओ एल F ओके वो मतलब ये हो गए हमारे इसके आंसर्स इसको कर लेंगे इसमें आपको कोई इशू नहीं होगी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी हम आगे बढ़ते हैं हम आगे का सेक्शन देखते हैं यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा एनिमल कहाँ रहता है ओके okay? हम यहाँ पे ये यह देखेंगे तो एक बी बी मतलब मधुमक्खी मधुमक्खी कहा रहती है हमने देखा है मधुमक्खी अपने हाइव uh, में रहती है हम इसके घर को बी हाइव कहते हैं आप इसे मधुमक्खी का छत्ता भी हम लोग कहते हैं हिंदी में लेकिन इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बी कहाँ रहती है हाइव में बी हाइव ओके इसका आंसर हो जाएगा बी हाइव नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट कह रहा है एंट एंट कहाँ रहती है एंट रहती है वेट में इसका आंसर टिक कर दूँ आपको ईजी होगा समझने में एक बी रहती है बी हाइव में ओके एंट कहाँ रहती है एंट रहती है एंट हिल में डक कहाँ रहता है डक नो डक हमेशा पानी में रहता है और तो पानी मतलब पौंड तालाब में रहता है इसके बाद आइए रैबिट रैबिट कहाँ रहता है रैबिट जमीन के अंदर अपना घर बनाता है तो उसे हम बरो कहते हैं ठीक है थीके? क्या कहते हैं बरो इसके बाद आइए स्पाइडर स्पाइडर कहाँ रहता है स्पाइडर अपना वेब बनाता है अपना जाल बनाता है तो हमारा स्पाइडर का हो गया वेब इसके बाद स्पैरो इस स्पैरो एक बर्ड है और बर्ड्स कहाँ रहती हैं बर्ड्स हमेशा अपने घोंसले में रहती हैं यानी अपने नेस्ट में रहती हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नेस्ट ओके और व्यू ऑल नो कि टाइगर कहाँ रहता है टाइगर डेन में रहता है अपने गुफा में रहता है सो दिस इज़ हाउ द सेशन इज डन ओके और आप ये अपनी कॉपीज़ में करेंगे बच्चों ये आपका टास्क है आपको ये करना है ये करना है और इसके साथ ही ऊपर मैंने जो आपको जो बताया ये भी आपको करना है ये सब आप कर लेंगे एंड दिस ऑल्सो ओके एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टेक योर टाइम आपको दो दिन का टाइम दिया जा रहा है आप आराम से इसे अपनी कॉपीज में करें बिना किसी परेशानी के कोई डाउट होता है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं कोई इशू नहीं है वर्ड मीनिंग्स आई होप आप सबने लिख ली है आप सबने लर्न कर ली हैं कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं दिस इज ऑल फॉर टू घर पर रहिए पढ़ते रहिए सुरक्षित रहिए थैंक यू क्लास